3, 2, 1. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Hello friends, कैसे हैं आप सब? So, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स के बारे में. कंप्यूटर्स कंपोनेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो, कंप्यूटर तो हम डेली यूज करते हैं, तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में जानना भी बहुत ही आवश्यक है. So, कंप्यूटर कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? पहला तो है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, सेकंड प्राइमरी मेमोरी, थर्ड सेकेंडरी मेमोरी, जो लास्ट है वो है CPU. CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. फ्रेंड्स, आज हम इनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है. जैसे आप, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? इनपुट डिवाइस का मतलब है कंप्यूटर को इनपुट देना किसी डिवाइस के थ्रू. जैसे ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसके फर्दर वीडियो में, ठीक है? ओके, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर्स के थ्रू जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद मिलता है, वो हमें डिस्प्ले कराते हैं. आउटपुट डिवाइस में हम आउटपुट को डिस्प्ले के फॉर्म में देखते हैं. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रन होने पर हमें हमारी मेमोरी में प्रेजेंट मिलती है. कंप्यूटर एप्लीकेशन जब रन होता है, तब प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो सारा डेटा या इंफॉर्मेशन या उसके जो प्रोग्राम कोड होता है, वो सारा इसके अंदर स्टोर होता है. ये सिर्फ रन टाइम तक होता है. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जो हम परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं. सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिस मेमोरी में हम अपने जो डेटा होता है, अपना पर्सनल डेटा होता है या कोई भी डेटा होता है, सारे डेटा को हम इसमें फॉर लाइफ टाइम के लिए परमानेंट स्टोर करके रखते हैं. और CPU क्या होता है? CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सारे इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है, वो सिर्फ CPU में होती है. जो भी हम इनपुट के थ्रू इंफॉर्मेशन या ये कह लो रॉ डेटा देते हैं, उसका प्रोसेस कौन करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU करता है. और जो भी रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट मिलता है, वो हम आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले कराते हैं. तो फ्रेंड्स, ये है कंप्यूटर के कंपोनेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, या आपका जनरल नॉलेज या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के. फ्रेंड्स, इसके जो बारे में हम डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं, जो कि इसके फर्दर वीडियो में आने वाली है. सो फ्रेंड्स, बने रहिए इस चैनल के साथ. तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे.